ये रिश्ते हैं प्यार के में आज चल रहा है हाई वोल्टेज किडनैपिंग ड्रामा। अब ये तो यू में और टीवी में हम आपको दिखा ही चुके हैं कि सपन लाला के गुंडों ने कैसे कुणाल और कुहू को किडनैप कर लिया था और अपना बंधक बना लिया था। अब आज सपन लाला के गुंडे अबीर और मिष्टी को भी बंधक बनाकर ले आए हैं अपने अड्डे पर। अबीर, सपन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे पैसा चाहिए ना, मैं दूंगा। मेरे भाई पर आज भी नहीं आनी चाहिए। छोड़ दे मेरे भाई को। जानता हूँ तेरा नाम कुणाल राजवंश और तेरे इस भाई का नाम अबीर राजवंश और तेरी माँ का नाम मीनाक्षी राजवंश। कुणाल सपन लाला को पैसे की धौंस दिखा रहे हैं, लेकिन ये सपन लाला तो पूरे राजवंश परिवार की कुंडली जानता है और लाला को पूरा भरोसा है कि जब तक उसे एनजीओ वाली जमीन और पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वो इन चारों में से किसी को नहीं छोड़ेगा। तेरे पूरे खानदान की कुंडली है मेरे पास। क्या करेगा सपन, इन दोनों को छोड़ दे, तुझे जमीन नहीं मिलने वाली। अब तो सपन भाई को जमीन भी मिलेगी और पैसा भी। बता अपनी माँ को कि उसके दोनों अनमोल रतन और प्यारी सी खूबसूरत सी छोकरी सपन भाई के कब्जे में है। और हाँ, इस गलतफहमी में मत रहना, तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आने वाला। सपन भाई ने हमें किडनैप कर लिया है और क्योंकि वो अबीर का जो प्लॉट है उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और इसके बदले में उन्होंने हमें किडनैप कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाजी पलटते देर नहीं लगती। मिष्ठी की चालाकी और अबीर की दिलेरी ने सपन लाला का पूरा खेल ही पलट दिया। मिष्ठी ने कुहू को बचाया तो अबीर और कुणाल ने सपन लाला और उसके गुंडों को जमकर धोया। मिष्ठी, आज तो आपने जमकर ढिशुम ढिशुम की है। कितना मजा आया कुहू की जान बचाने में। एक्चुअली मुझे बहुत मजा आ रहा है कुहू को बचाने में। मैंने थोड़ी मारपीट भी की और अपने ऊपर बहुत रिस्क भी लिया, अपनी लाइफ का रिस्क लिया और कुहू को बचाने आई क्योंकि रसिया गुंडों में फंस गई। इसी बीच सपन लाला अपनी बंदूक से अबीर को बनाना चाहते हैं निशाना, लेकिन मिष्ठी के होते हुए अबीर को कहां कुछ हो सकता है। मिष्ठी और सपन लाला के बीच बंदूक को लेकर होती है छीना झपटी। इसी बीच बंदूक से गोली चल जाती है और मिष्ठी जमीन पर गिर जाती है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि इस हादसे के बाद मिष्ठी फना हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बाल बाल बच जाएगी मिष्ठी। अब ये कैसे होगा, मिष्ठी से ही सुनिए। हाँ, वो गोली का ब्लो आया और एक सेकंड के लिए सबको लगा कि मुझे लग गई, लेकिन वो गोली मुझे नहीं लगती। सपन यहाँ अबीर से जबरदस्ती जमीन के कागजात पर दस्तखत करवाना चाहता है, लेकिन उसका ये मंसूबा कर दिया एक खास मेहमान ने नाकाम। काफी मार धाड़ और धुनाई पिटाई के बीच हुई है एसपी पृथ्वी सिंह की एंट्री। जी हाँ, हॉटस्टार की नई सीरीज हॉस्टेजेस के एसपी पृथ्वी सिंह यानी के रोनित रॉय की शो में एंट्री हुई है, जो एक के बाद एक हर गुंडे को अपने रास्ते से हटाते जाते हैं और कुहू कुणाल मिष्ठी अबीर की जान बचाते हैं। ये रिश्ते की कास्ट के साथ काम करके रोनित को कैसा लगा, सुनिए जरा। ऑलमोस्ट 20 साल ये किया है और इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा मुझे ये शो। बड़ा हिट शो है स्टार पे ये रिश्ते। अबीर है, शाकिर जो उनकी लीड है वो मेरी डॉटर बनी थी। एक शो मैंने किया था सोनी पे, उसमें मेरी डॉटर बनी थी, तो सालों बाद मिल रहा हूँ उनसे, तो इट्स अ गुड फीलिंग। जिस वेब सीरीज की प्रमोशन के लिए रोनित ये रिश्ते के मेहमान बने हैं उसके बारे में भी रोनित ने बताया। ये हॉस्टेजेस शो है हॉटस्टार पे और इनिशियल उसका जो रिस्पॉन्स पिछले 31 मई को ये ड्रॉप हुआ था हॉटस्टार पे, हॉटस्टार स्पेशल्स पे, और बहुत मेरे करियर में जो उच्च स्तर के रिस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं उनमें से हॉस्टेजेस का रिस्पॉन्स वैसा ही है, तो बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की कि हमेशा
अभिनेता या कलाकार को उसके काम की सराहना होती है तो खुशी होती है। हॉस्टेजेस की बात की जाए तो आम कहानियों में एक दो तीन चार पाँच ट्विस्ट होते हैं, लेकिन हॉस्टेजेस की खास बात यह है कि हर पात्र, हर किरदार जो है वो नहीं है जैसा वो दिखता है, उसके पीछे एक कहानी है। और जो मेन कहानी है उसमें हर किरदार की अलग कहानी है और कहानी में भी अलग अलग मोड़ है। तो अंत तक जो रिएक्शन भी मुझे मिले हैं वो ये संकेत देते हैं कि अंत तक ग्रिप जो है वो बना रहता है और अंत तक, अंत में भी पता नहीं चलता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। कसौटी जिंदगी की 2 में हो गई है मिस्टर बजाज की एंट्री। ऋषभ बजाज के जिस रोल को रोनित ने बुलंदियों तक पहुंचा दिया, कसौटी के नए सीजन में उस रोल में अब करण सिंह ग्रोवर नजर आ रहे हैं और एक्स मिस्टर बजाज ने करंट मिस्टर बजाज को दी अपनी बेस्ट विशेस। तो बस वही कहूंगा जो लास्ट टाइम कहा था कि मेरी शुभेच्छाएं उनके साथ में है और मैं तो चाहूंगा कि वो ऐसा कुछ करे कि लोग पुराने बजाज को भूल जाएं। रोनित ने इन सभी की जान तो बचा ली है, साथ ही जमीन के कागजात भी दिलवा दिए हैं। आगे कहानी क्या मोड़ लेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।